हमारे साथ यहाँ स्वर्ग धाम में श्री महेंद्र जी से हम बात करेंगे। तो महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और लास्ट शनिवार की आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज महाकाल का, शनिदेव का लास्ट शनिवार है, तो इसके उपलक्ष्य पर स्वर्ग धाम में अपने भंडारे का आयोजन किया गया है, तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? तो बोलें, सबसे पहले मैं PR न्यूज़ का चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ करता हूँ कि आप यहाँ आए और हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होते, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपको एक जानकारी दूं कि 2016 में मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद से रिटायर हुआ था। और जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने एक सपना लिया था कि मैं 60 साल तो मैंने अपने बच्चों की, अपने घर बार की सेवा की, और अब मेरा 61 ईयर जो चलेगा वो पब्लिक सेवा में चलेगा। अब मैंने भगवान को अपना ये देना है सावधान, तो मैं कुछ ऐसी सेवा करूं जिससे मैं अच्छा कार्य करूं। तो मैं यहाँ एक शमशान घाट होता था जिसकी बड़ी बुरी हालत होती थी। जब कोई डेड बॉडी यहाँ आती थी तो एक दिन पहले ही वहाँ पर जो है वो लोग आते थे, उसकी सफाई करते थे, फिर डेड बॉडी को ले जाते थे। तो मैंने वहाँ निर्णय लिया कि इसको एक अच्छा स्वर्ग धाम में बदलना है मैंने। और 2016 31 दिसंबर को मैं रिटायर हुआ और 1 जनवरी को मेरे घर में धाम थी और 2 तारीख से मैंने यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। तो आज मुझे 8 साल हो गए इस स्वर्ग धाम को बदलने में। तो आज आप देख रहे हैं कि हर जगह आपने देखा होगा यहाँ 11 तो मंदिर बन चुके हैं और जो आगे शमशान घाट है उसका भी हमने पूरा परिवर्तन करके उसका नाम ही स्वर्ग धाम कर दिया। आज ये आप देख रहे हैं, तो आप अभी और भी मंदिर देखेंगे जहाँ पर ये सब चीज़ें बनी हैं। जो आज हमने क्या थी, हर सोमवार या हर शनिवार को यहाँ करते थे, पिछले सावन मास में हमने भोलेनाथ का काम चलाया हुआ था, हर सोमवार को भंडारा लगाते थे, भंडारा भोग टाइप। तो आज हमने जो शनिवार लगे तो हमने शनिदेव का जो है हर शनिवार को चलते रहे, वहाँ पर भोग लगाते रहे और आज अंतिम ये हमारा शनिवार जो है वो अंतिम है। तो हमने यहाँ पर एक पब्लिक के सहयोग से यहाँ पर एक भंडारे का आयोजन किया हुआ, जो आप देख रहे हैं जनता आ रही है, खा रही है और मंदिरों में दर्शन करे। तो इस इलाके के लिए या सब के लिए एक बहुत अच्छा एक चीज़ सामने आई है कि सब मिलजुल कर यहाँ पर जो है वो खाना भी खा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, भजन कीर्तन हो रहा है, तो प्यार भाव बढ़ रहा है। PR न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ये तस्वीरें सीधी स्वर्ग धाम मूल से देख रहे हैं, हम आपको लाइव कवरेज दिखाएंगे क्या क्या जो इन्होंने बताया अपनी मुख जुबानी, तो हम आपको लाइव तस्वीरों के बाद इसे दिखाएंगे। ठीक है, बाबा बालनाथ का मंदिर है, माँ दुर्गा साक्षात विराजमान, शनिदेव महाराज क्योंकि आज शनि देव जी का शनिवार लास्ट शनिवार है, तो आप ये तस्वीरें जो है सीधा स्वर्ग धाम से देख रहे हैं। भंडारे का आयोजन, प्रसाद ग्रहण करते भक्तजन शनिवार का, और भजन कीर्तन करती महिलाएं,
स्वर्ग धाम मोलीचक की ये तस्वीरें, आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं क्या शानदार इसको बनाया गया है। भगवान श्री राम लक्ष्मण मूर्छित और फुवारे का क्या नज़ारा है, और ये अंतिम घर है सभी का, एक दिन सभी को जाना है। तो कितना इसको सजाया गया है, आपने खुद महेंद्र सिंह की जुबानी ये सुना कि कैसे कैसे उन्होंने क्या ये जो इसको संवारा है। ये तस्वीरें आप सीधा मूलीचक स्वर्ग धाम से देख रहे हैं। तो दीजिए इजाजत कुशल कुमार को, जय हिंद, जय हिमाचल।